दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 16 जून 2021 आज के लव राशि फल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों लव राशि फल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख पा सुन सकते हैं। आज चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा और मघा नक्षत्र का चंद्रमा रहेगा, किस प्रकार की स्थिति आपकी रखेगा आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, देखा जाए तो आज के दिन विशेष रूप से अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आएगी। आज बहुत ज़्यादा स्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा ईगो दिखाएगा और उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे आप, और उससे आप परेशान भी होंगे। अगर आप किसी के लिए फीलिंग रखते हैं, किसी से प्यार करते हैं, उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं उससे, क्योंकि उसके बिहेवियर से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है और उस वजह से आपका व्यवहार जो है वो बिगड़ सकता है उसके प्रति, जिससे आपका रिश्ता दोस्ती अगर चल रही थी तो वो थोड़ा ख़राब हो सकता है। हो सकता है कि आपको आज बहुत ज़्यादा ही झुकना पड़े अपनी दोस्ती में, हर प्रकार से अपने आप को ही समर्पित करना पड़े, ऐसी स्थिति बनेगी जो आपके लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और देखा जाए रिलेशनशिप की स्थिति, अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी लव लाइफ में स्थितियाँ सुधरने वाली हैं और आपको आज अगर आप किसी को छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आज आपको अगर आप किसी को छोड़ते भी हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको कोई छोड़ता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज स्थिति ये रहेगी कि आपका मन काफ़ी मजबूत हो जाएगा, जिससे आप बेचैन परेशान नहीं होंगे और बहुत सारी स्थितियों में आप जो बुरी स्थिति देख रहे हैं लव लाइफ में, वो प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। खास करके थर्ड पार्टी की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर कोई आप निर्णय ले सकते हैं और थर्ड पार्टी को हमेशा अपनी लव लाइफ से समाप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। आज के दिन विशेष रूप से मैरिड लाइफ में नया संबंध स्थापित होगा, एक नयापन आएगा, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। मैरिड लाइफ में अगर आपके पार्टनर आपकी केयर नहीं करते हैं, आपकी बात को इग्नोर करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो उन स्थितियों को दूर करते हुए आपके पार्टनर आपकी केयर भी करेंगे, आपकी बात भी मानेंगे और बहुत कुछ स्थितियाँ अच्छी होने वाली हैं। देखा जाए तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थोड़ा सा पार्टनर ज़्यादा ही इग्नोर करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, ये स्थिति बनेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपकी राशि से चतुर्थ भाव का चंद्रमा ये दर्शाता है कि आज आप बहुत इमोशनल रहेंगे। सिंगल हैं, किसी को प्रपोज कर सकते हैं। आज के दिन देखा जाए तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ही प्रेम करेंगे और प्रेम का इजहार करेंगे। आज वो आपको जताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आपकी लव लाइफ में स्थितियाँ बहुत अच्छी होंगी और देखा जाए तो बहुत सारी स्थितियों में आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको समझना होगा, कुछ चीज़ों में आप खुद अपनी प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं, कुछ कन्फ्यूजन या कुछ गलतफहमी बन जाए जिस वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाए, इसलिए थोड़ा सा अपने आप में सामंजस्य बनाकर रखना होगा मैरिड लाइफ में। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉमिस कर सकते हैं पार्टनर, और आज बहुत ज़्यादा कोई जिम्मेदारी जो आप निभा रहे थे उसमें आपको परेशानी आ रही थी, उसमें आपके पार्टनर आपकी हेल्प कर सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, देखा जाए तो आपके प्रेम संबंधों में नयापन आएगा, कोई नया दोस्त बन सकता है, सिंगल हैं किसी को दोस्त बना सकते हैं। आज विशेष रूप से आपके पार्टनर आपको गिफ्ट उपहार दे करके खुश करने की कोशिश करेंगे। आज वो आपको बहुत ज़्यादा महत्व देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे, बहुत सारी स्थिति अच्छी होगी। मैरिड लाइफ में खास करके ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे और आज बहुत ज़्यादा मजाकिया स्वभाव होगा आपके पार्टनर का। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा मजाक होगा, हंसी मजाक का माहौल रहेगा, यानी कि दिन अच्छा बीतेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज कोई बात छिपाना बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए कोई बात ना छिपाएं। खास करके अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या लिव इन में रहते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई पुरानी बात जो आपने छिपा रखी है उसे आज बताएं भी ना, क्योंकि आप अगर अच्छी तरीके से उसे बताएंगे, आपका जो मन होगा वो इसलिए ऐसा करेगा क्योंकि आप चाहते होंगे कि आप पार्टनर को ये दिखाएं कि वो कितने लॉयल हैं, वो आपको बात बता रहे हैं, लेकिन अगर बात पुरानी है तो ना बताएं, नहीं तो झगड़े हो जाएंगे, ये स्थिति। दोस्तों बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, लव लाइफ में स्थितियां शानदार रहेंगी, प्रेम रहेगा
और बहुत हद तक जो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई थी, वो कॉन्टैक्ट में आएंगे, बातचीत होगी, लेकिन लव लाइफ में थोड़ा सा आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिखाएंगे और नाजायज झगड़े भी कर देंगे, कुछ बहुत ज़्यादा शक भी करेंगे और शक की वजह से, गलतफहमी की वजह से कुछ आपको अभद्र या कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आप बहुत ज़्यादा उससे हर्ट हो जाएं। मैरिड लाइफ में भी ऐसी स्थिति बनेगी, लेकिन मैरिड लाइफ में विशेष रूप से आपकी कुछ गलतियाँ होंगी, उस वजह से आपको परेशानी होगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज प्रेम रहेगा, रोमांस रहेगा, बहुत सारी स्थिति अच्छी रहेगी। आज विशेष रूप से आपसे मुलाकात करने का, मिलने का उनका मन होगा, ये स्थिति बनेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपके लव लाइफ में स्थितियाँ ऐसी हैं कि आज बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगे, सिंगल हैं तो, और अगर आप लव लाइफ में हैं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई थी तो आप फिर से वो स्थिति सुधरेगी, लेकिन लड़ाई झगड़े होंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे करेक्टर के बारे में बोलना, और किसी ने किसी के लिए कुछ किया है तो उसका एहसान जताना, इस वजह से झगड़े ज़्यादा होंगे लव लाइफ में। और मैरिड लाइफ में स्थिति ये बनेगी कि एक दूसरे के करेक्टर के बारे में, एक दूसरे के अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में ज़्यादा बोलेंगे, जिस वजह से परेशानी बनेगी। मैरिड लाइफ में अगर आप अपने पार्टनर को ऐसी कोई बात बता रखें जो आपके अतीत को दर्शाती है, अतीत के बारे में कुछ बता रखा है, तो उससे परेशानी आपको ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आज के दिन अगर कोई बताना भी चाहते हैं ऐसी बात जो आपने छिपा रखी थी, आपके बीते दिनों में कोई आपने कुछ ऐसा किया है जो आपके लिए एक गलती है और आप उस पर पछतावा कर रहे हैं और वो बात आप बता देते हैं मैरिड लाइफ में, तो प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, कोई बात ना बताएं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज धोखा हो सकता है, जलन महसूस हो सकती है, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा महसूस होगी और थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर से आपको नफरत हो जाएगी, ये स्थिति बनेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, लव लाइफ में आज बहुत बुरी तरह से आप परेशान रहेंगे, सिंगल हैं वहाँ पर भी परेशान रहेंगे, लव लाइफ में झगड़े, कलह, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम और कुछ बातें जो आप बहुत गंभीरता से सोचेंगे और कोई बड़ा निर्णय लेंगे। हो सकता है कि आज आपके मन में ऐसे भी विचार आएँ कि कहाँ फंस गए, कहाँ पर ये, मतलब ऐसा मन में विचार आएगा कि यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, इसके साथ में रिलेशनशिप में बेकार में रहे और इसके लिए हमने इतना कुछ किया और आज ऐसा, तो आपका बार बार चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, उस वजह से बार बार ब्लॉक करने का मन करेगा, नो कॉन्टैक्ट में जाने का मन करेगा लेकिन नहीं होगा, बहस होगी, झगड़े होंगे और पूरा दिन आज अच्छा नहीं बीतने वाला है। खास करके मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा झगड़े होते हुए नजर आएंगे। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज पार्टनर बहुत ज़्यादा इग्नोर कर सकते हैं और आपको बहुत बुरा भला बोल सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, लव लाइफ में शानदार स्थितियां रहेंगी, प्रेम रहेगा, आज पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको प्रेम करेंगे और आज आपको कोई प्रपोज कर सकता है। आज अगर आप किसी के साथ में डेट पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा व्यक्ति मिल सकता है, आपको पता लग सकता है कि वहाँ पर जो व्यक्ति आप जिसके साथ में जा रहे हैं वो व्यक्ति आपके जीवन के लिए परफेक्ट है, तो लव मैरिज को लेकर के भी स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी। आज कोई गिफ्ट उपहार या कोई बहुत अचानक से कोई आपको खुशखबरी मिल जाए, ऐसी स्थिति बनेगी। मैरिड लाइफ में भी प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे और ख़ास करके मैरिड लाइफ में कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग बन सकती है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर कोई झगड़ा चल रहा था तो वो झगड़ा बिल्कुल शांत हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फिर और परेशानी बढ़ जाएंगी, क्योंकि झगड़ रहे थे तब तो ऐसा लग रहा था कि अपनापन है, लेकिन झगड़ना बंद हो जाएगा तो अपनापन समाप्त जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि पार्टनर अब आपको प्रेम नहीं करते हैं, ऐसे ही भी आपको कहीं ना कहीं स्थिति महसूस होगी। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए दशमस्थ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करेंगे, वो बहुत ज़्यादा आपसे परेशान हैं और बहुत ज़्यादा आपने उन्हें हर्ट किया है, आपको उन्होंने हर्ट किया है, बहुत प्रॉब्लम ऐसी बनी है जिस वजह से आपके रिश्ते ख़राब होते जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन रही है कि वो बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं अपनी गलतियों पर और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं हमने गलत किया था और बहुत ही गलत निर्णय लिया था, बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होगा। और रिश्ते को सही करने की जितना आपके पार्टनर झुकने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको आपका ईगो बढ़ जाएगा, वो अपना ईगो कम करेंगे आपका ईगो बढ़ जाएगा, ऐसे एक दूसरे को सामंजस्य नहीं बना पाएंगे जिस वजह से आज का दिन बहुत ज़्यादा खराब जाएगा लव लाइफ में। और मैरिड लाइफ में स्थितियाँ ये बनेंगी कि आज विशेष रूप से फैमिली की वजह से, आपके माता पिता की वजह से झगड़े हो सकते हैं या उनके माता पिता की वजह से झगड़े हो सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियाँ फिर भी ठीक हैं, वहाँ पर प्रेम संबंध मजबूत होंगे और एक नयापन आएगा और काफ़ी हद तक आपको एक सपोर्ट मिलेगा आपके पार्टनर के द्वारा। बात कर लेते हैं
धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, लव लाइफ में देखा जाए तो स्थितियाँ शानदार हैं, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, आज ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे हो जाएंगे और बहुत अचानक से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर थोड़ा सा आपको हर्ट कर सकते हैं, अचानक से कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं, कोई गिफ्ट उपहार को लेकर के या कोई ऐसे स्वभावतः उस उनके द्वारा ऐसी कोई बात बोली जाए जो आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग जाए। अभी तक आपको बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं जो आपको बुरी लगती हैं, लेकिन इस बार जो बोलेंगे वो आप भूल नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ बोल देंगे जो आप कभी भुला नहीं पाएंगे और आप कहेंगे कम से कम ये उम्मीद तो नहीं थी आपसे, ऐसी स्थिति बनेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों सिंगल हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगे, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आएगा, परेशान रहेंगे। लव लाइफ में स्थितियाँ नो कॉन्टैक्ट की थी तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम कम होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ रही है कि आपके पार्टनर के कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं, कोई गलत फैसला हो सकता है, उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं वो और उस वजह से आपको धमकी दे सकते हैं कुछ, या बहुत ज़्यादा अपने आप को हानि पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। मैरिड लाइफ में भी ऐसी स्थिति बनेगी तो मैरिड लाइफ की स्थिति में ये भी है कि एक दूसरे के कैरेक्टर के बारे में इतना ज़्यादा बोल दें, एक दूसरे का अपमान इतना ज़्यादा कर दें जिससे डिप्रेस होकर के कोई उल्टा सीधा फैसला लेने की कोशिश करें, ऐसी कोई उम्मीद जो आपने नहीं किया, आपको लगता है कि पार्टनर ऐसा नहीं कर सकता है लेकिन वो कर देगा या करने की कोशिश करेगा, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और आप फिर से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे, ये स्थिति बनेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियाँ सामान्य हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन रही है कि आज बहुत ज़्यादा ही आपके पार्टनर आपसे नाराज़ होंगे, एक दूसरे के कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा बोलेंगे, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम भी नज़र आएगी और आप सिंगल हैं, किसी को प्रपोज ना करें, आज लव मैरिज को लेकर के बातचीत करना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज ब्रेकअप भी हो सकता है या झगड़े हो सकते हैं, ये स्थिति बनेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम नज़र आएगी, झगड़े हो सकते हैं, कलह हो सकता है या आपके पार्टनर के द्वारा आप बहुत ज़्यादा ही नुकसान में जा सकते हैं। पार्टनर कोई किसी और गलती से या किसी और का गुस्सा आप पर निकाल सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी, बहस होंगे, झगड़े होंगे और मैरिड लाइफ में डाइवोर्स की स्थिति बन जाए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन जाए। बहुत हद तक आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियाँ फिर भी ठीक रहेंगी, वहाँ पर प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। दोस्तों यह था आज का लव राशिफल। आपका यह लव राशिफल अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।